गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। जो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 अपना चैप्टर नंबर 7 है क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क है अपना चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। 7 में हमें कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में देखना है। कॉम्पैक्ट मतलब होता है छोटा, और डिस्क मतलब होता है एक प्रोडक्ट जो रोल कर सकता हो राउंड इन शेप हो। जैसे क्या दिख रहा है आपका? ये दिख रही है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को कॉम्पैक्ट का सी, ये आगे वाला सी, और डिस्क का डी, अगर इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, सी डी। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट का क्या लिया गया? सी, और डिस्क का क्या लिया गया? डी। ठीक है, तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी बोलते हैं। ठीक है, अब लेट्स लर्न अबाउट, आज हम सीखेंगे किसके बारे में? व्हाट इज सीडी? सीडी क्या है? सीडी हमने ऊपर बताया, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। टेक केयर ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क को कैसे हम रखते हैं या बचाते हैं। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज सीडी। ठीक, व्हाट इज सीडी मतलब व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी स्टैंड फॉर मतलब सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। सीडी स्टैंड फॉर सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क इज राउंड इन शेप। एक कॉम्पैक्ट डिस्क राउंड इन शेप, एक कॉम्पैक्ट डिस्क आकार में गोल होती है। ए कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी इज स्मॉल पोर्टेबल मेड ऑफ मोल्डेड पॉलीमर क्लोज इन साइज। एक कॉम्पैक्ट डिस्क इज स्मॉल, एक कॉम्पैक्ट डिस्क आकार में छोटी, पोर्टेबल, और किससे बनी होती है? मोल्डेड पॉलीमर से। ठीक है, यहां तक पहले आप समझना। मोल्डेड, एक कॉम्पैक्ट डिस्क इज स्मॉल पोर्टेबल मोडिन मोड ऑफ मोल्डेड पॉलीमर मेड ऑफ मोल्डेड पॉलीमर। एक कॉम्पैक्ट डिस्क छोटी, आकार में छोटी, पोर्टेबल और पॉलीमर से बनी होती है। क्लोज इन साइज, साइज में क्या है? क्लोज इन साइज फॉर इलेक्ट्रोनॉमिकली रिकॉर्डिंग स्टोरिंग एंड प्लेइंग ऑडियो वीडियो टेस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। ये सीडी जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो रिकॉर्डिंग स्टोरिंग एंड प्लेइंग ऑडियो वीडियो, ये रिकॉर्ड इलेक्ट्रोनॉमिकली रिकॉर्ड करता है और स्टोर करता है। ये कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरिंग इलेक्ट्रोनॉमिकली मतलब क्लोज इन साइज फॉर इलेक्ट्रोनॉमिकली रिकॉर्डिंग स्टोरिंग, इलेक्ट्रोनॉमिकली रिकॉर्ड और स्टोर करता है, एंड प्लेइंग ऑडियो वीडियो टेस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। और ऑडियो वीडियो और टेस्ट को क्या क्या करता है? डिजिटल फॉर्म में प्ले करता है। ठीक है, द सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल डिस्क। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, द सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को हम क्या और भी बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। किसको बोलते हैं? सीडी को। ठीक है, द सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इट इज कैपेबल टू स्टोरिंग डेटा अप टू 700 MB। इट इज कैपेबल टू स्टोरिंग डेटा अप टू कितना कितना स्टोर कर सकता है? मैक्सिमम 700 MB। एमबी हम बाद में जानेंगे कि कितना होता है, एमबी, जीबी और टीबी क्या होती है। अभी हम इतना बस जानेंगे, इट इज कैपेबल टू स्टोरिंग डेटा अप टू 700 MB, या 700 MB डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है, या स्टोर करने की क्षमता या सुसज्जित करने की क्षमता रखती है या रखता है। डेटा इज रिकॉर्डेड परमानेंटली ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। डेटा इज रिकॉर्डेड, डेटा को लेजर के रूप में, डेटा इज रिकॉर्डेड परमानेंटली ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क थ्रू द यूज ऑफ लेजर। डेटा को लेजर का उपयोग के माध्यम से, हम डेटा को लेजर के माध्यम से ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर अस्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। ठीक है, डेटा को ऑप्टिकल लेजर, ये लिखा हुआ है, ऑप्टिकल लेजर की मदद से सतह पर
वो सतह पर अस्थायी रूप से या परमानेंट अस्थायी रूप से डिस्क पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, डेटा इज रिकॉर्डेड परमानेंटली ऑन द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क थ्रू द यूज ऑफ लेजर। ठीक है, डेटा को लेजर के माध्यम से ऑप्टिकल डिस्क की सतह पर अस्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। ठीक है, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लेना। टू राइट द डेटा ऑन सीडी ए सीडी राइटर इज नीडेड। सीडी पर डेटा राइट करने के लिए सीडी राइटर की जरूरत पड़ती है। टू राइट द डेटा ऑन द सीडी, सीडी पर डेटा लिखने के लिए या राइट करने के लिए, राइट का मतलब यहाँ लिखने से नहीं है, राइट का मतलब इसके ऊपर चिपकाने जैसा होता है, लेजर के थ्रू हम जो डेटा होता है उसको इसके सरफेस पे स्टोर करते हैं। टू राइट द डेटा ऑन सीडी, टू राइट द डेटा ऑन सीडी ए सीडी राइटर इज नीडेड। एक सीडी राइटर की जरूरत होती है डेटा को सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क पर लिखने के लिए। सीडी राइटर बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर हम सीडी प्लेयर को या सीडी को डाल देते हैं और बाद में जो भी गाना या मूवी या जो भी उसमें स्टोर करनी है वो स्टोर हो जाती है। ये न्यूअर टेक्नोलॉजी, एक नई तकनीकी, ठीक है, ये न्यूअर टेक्नोलॉजी मतलब एक नई तकनीकी, ए न्यूअर टेक्नोलॉजी मतलब एक नई तकनीकी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क डीवीडी। अब देखो, डिजिटल का डी लिया गया, वर्साटाइल का बी लिया गया और डिस्क का डी लिया गया। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क डीवीडी स्टोर्स मच मोर डेटा इन द सेम स्पेस। एक नई तकनीकी डीवीडी जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क स्टोर मच मोर डेटा इन द सेम स्पेस। एक नई तकनीक, पहले सीडी आती थी उसके बाद क्या आना शुरू हो गई, डीवीडी। डीवीडी क्या होती है, एक नई टेक्नोलॉजी है और वो उसी स्पेस में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है इन कंपेरिजन टू क्या, ये डिस्क के। ठीक है, ए न्यूअर टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क स्टोर्स मच मोर डेटा इन द सेम स्पेस। एक नई तकनीकी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क डीवीडी स्टोर मच मोर डेटा इन कंपेरिजन टू सीडी डिस्क, या सीडी डिस्क के कंपटीशन में हमारे पास डीवीडी में ज्यादा डेटा आता है। ए डीवीडी इज आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग मूवी। ठीक है, एक डीवीडी मूवी स्टोर करने के लिए भी यूज की जाती है। ए डीवीडी इज आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग मूवी। एक डीवीडी ज्यादा मूवी भी स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। टेक केयर ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क का रखरखाव कैसे किया जाएगा। नेवर राइट ऑन द कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी पे कुछ भी लिखना नहीं है। डू नॉट कीप द डिस्क इन सनलाइट, कभी भी डिस्क को किसमें, सूरज के प्रकाश में नहीं रखना है। डू नॉट कीप द डिस्क इन सनलाइट, कीप द डिस्क इन एन एनवलप, हमेशा कीप द डिस्क इन एनवलप, एक लिफाफे में डिस्क को रखना है। इफ इट इज नॉट इन यूज, अगर ये उपयोग में नहीं है, कीप द डिस्क इन द प्लास्टिक कवर, अगर ये उपयोग में नहीं है तो डिस्क को किसमें रखना है, प्लास्टिक कवर में। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, मैंने बताया था कॉम्पैक्ट का सी लिया गया है और डिस्क का डी लिया गया, तो सीडी जो हो गई वो कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई। एक कॉम्पैक्ट डिस्क राउंड इन शेप, हमने पहले ही बताया था, गोल आकार में होती है। द सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल डिस्क, सीडी को ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। सीडी राइटर इज यूज टू राइट द डेटा ऑन सीडी, सीडी पर डेटा राइट करने के लिए सीडी राइटर की जरूरत होती है। कीप द डिस्क इन ए प्लास्टिक कवर इफ इट इज नॉट इन यूज, अगर ये उपयोग में नहीं है तो डिस्क को किस में रखना है, प्लास्टिक कवर में। ठीक है, कीप द डिस्क इन प्लास्टिक कवर इफ इट इज, यदि यह उपयोग में नहीं है तो उसको प्लास्टिक कवर में रखना है। ठीक है, उसके नीचे क्या आ रहा है, फिल द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यूज फॉर स्टोरिंग ऑडियो ऑडियो वीडियो, यहां आ जाएगा क्या, वीडियो। ठीक है, वीडियो के बाद अगला क्या है, एंड टेफ्ट। ठीक है, तो टेफ्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सीडी इज कैपेबल फॉर स्टोरिंग डेटा अप टू कितना, 700 MB। ये 700 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ये कहाँ आ जाएगा,
यहाँ सीडी स्टैंड फॉर, मैंने बताया था कॉम्पैक्ट का सी और डिस्क का डी, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको सीडी बोलते हैं। द सीडी इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ये आ जाएगा कहाँ, यहाँ, ये बन गया ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब कोई एक चीज लिखा हुआ था, स्टोरेज मच मोर डेटा इन द सेम स्पेस, स्टोरेज डीवीडी, डीवीडी स्टोर्स मच मोर डेटा इन द सेम स्पेस, यहाँ क्या आ जाएगा, डीवीडी, ठीक है, ये आपका डीवीडी है, डीवीडी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ आपका आएगा, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क आल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ये डी नंबर है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क पीछे हमने पढ़ा था। द कैपेसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क कितना, 700 MB, ये हुआ डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, या इसके सामने टिक का निशान मारना है सबके, चाहे वहां आप लिख सकते हो या यहाँ टिक का निशान मार लेना सही का, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आंसर द राइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क इज राउंड इन शेप, ये कॉम्पैक्ट डिस्क इज स्मॉल पोर्टेबल एंड मेड ऑफ मोल्डेड पॉलीमर, ये यहां से लेके यहां तक का आंसर आपका आ जाएगा, यहां तक का, व्हाट इज कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। व्हाई डू बी यूज ए कॉम्पैक्ट डिस्क, हम किसके लिए कॉम्पैक्ट डिस्क को यूज करते हैं, बी यूज कॉम्पैक्ट डिस्क टू स्टोरिंग रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनॉमिकली, ठीक, एंड प्लेइंग ऑडियो वीडियो टेफ्ट इन द एंड अदर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। मैं कमेंट में इसका आंसर लिख दूंगा, आप इसको देख लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर लिख दूंगा। हाउ मच कैपेसिटी इज दियर इन द कॉमन कॉम्पैक्ट डिस्क, कितना, 700 MB, ठीक है, 700 MB। व्हाट डज सी डी स्टैंड फॉर, सी डी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। व्हाट डज सी डी स्टैंड फॉर डीवीडी, व्हाट डज डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है, ये यहां आ जाएगा, ठीक। इधर मैच करेक्ट करना है, मैच द करेक्ट प्लेट विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है, गोल गोल डिस्क की तरीके से होता है, किसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। ये क्या है, माउस, अगर आपके पास कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा तो उसके साथ में एक छोटा सा माउस होता है, ये क्या है, ये है कीबोर्ड, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं पेन ड्राइव, ठीक है। अब लुक एट द पिक्चर एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कलर ऑन इट, एक कॉम्पैक्ट डिस्क का आपको क्या बनाना है, पिक्चर, ठीक है, इसको किससे, गोला प्रकार जो आपका होता है प्रकार, उससे आप इसको बना लेना, ठीक है, क्लियर। तो अपना कॉम्पैक्ट डिस्क यहां कंप्लीट होता है, ठीक है, लेसन 7।